let's shift our focus to Madhya Pradesh, where a shocking incident has surfaced from the state. 26 minor girls hailing from Gujarat, Jharkhand and other states have allegedly gone missing from an unregistered orphanage. A total of 68 kids were residing in that orphanage. This claim was made after National Child Rights Body Chief raided the shelter home along with officials of the State Rights Commission. Now, the police have registered an FIR under relevant sections of the Juvenile Justice Act and the manager of the orphanage has been named as an accused. The cops, though, claim that the girls are not missing and instead have returned to their homes. ऐसे बच्चों को जो उनके रेलवे चाइल्ड लाइन के वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहाँ पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे आए, उसकी जानकारी कैसे मिली, उनको यहाँ तक अप्रोच, क्योंकि संस्था तो 3 साल पहले खुली हुई है, तो कब से ये रैकी की जा रही थी बच्चों की कि इस तरीके के बच्चों को यहाँ पर लेके आना है, और जो 68 बच्चियाँ थी उसमें से 26 बच्चियाँ हम लोगों को वहाँ पर नहीं मिली। आंचल बाल गृह जो परवलिया थाना क्षेत्र में है वहाँ से 26 बच्चियों की जो लापता होने की बात चल रही है सोशल मीडिया में या अन्य मीडिया पे, उसमें अभी तक जो पुलिस ने अनुसंधान किया है, जो पूछताछ की है, उसमें ये पाया गया है कि जो बच्चियां हैं, कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो आकर वहां पे पंजीयन कराती हैं परंतु किन्हीं कारणों से, कई बार मन न लगने के कारण, कई बार अन्य कारणों से वो फिर अपने परिवार को वापस चली जाती है। तो अभी तक की पूछताछ में इन 26 बच्चियों के संबंध में यही ज्ञात हुआ है कि ये अपने माता पिता के साथ मन न लगने के कारण वापस चली गई है, जिसके संबंध में अभी और सत्यापन की कार्रवाई आगे कराई गई।